बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के डिड बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स। कल आपने सुनी थी कहानी मेरी प्यारी एक्स पत्नी, आज उसका अगला और आखिरी भाग सुनिए, मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, तुम्हारी चिट्ठी मिली, अच्छा लगा कि तुम इतने साल बाद भी हमारी शादी की सालगिरह नहीं भूले। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं ये खत एक ट्रेन में लिख रही हूं, याद शहर जा रही हूं, मेरी तुम्हारी यादों के शहर। चेयर कार में बैठे बैठे, वैसे ही जैसे मैं और तुम कभी घर साथ साथ जाते थे सेकंड क्लास के डब्बे में खिड़की के पास बैठ के। कितनी मुश्किल से मिलता था रिजर्वेशन, कैसे धक्का मुक्की करके त्योहार के एक दिन पहले ट्रेन में बैठते थे और मैं थक के फिर तुम्हारे कंधे पे सर रख के सो जाती थी। अब न वो सफर रहा न वो कंधा, जीवन नए नए रंग दिखलाता है, है ना? अगर उस मैसेज को अलग कर दो जो मैंने पेपर नैपकिन पे घर छोड़ते वक्त लिख के छोड़ा था, तो मैंने शायद कॉलेज के बाद किसी को आज तक चिट्ठी ही नहीं लिखी, और शायद आखिरी चिट्ठी भी तुम्ही को लिखी थी। थर्ड ईयर में लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे बैठ के, जब मैंने आखिरकार तुम्हारी बरसों की जिद को मान लिया था और तुम्हें फाइनली कह दिया था आई लव यू टू। कितने सीधे साधे थे हम तब, कितनी सीधी सादी थी जिंदगी। तुम इतने अमीर परिवार से थे, फिर भी तुमने कभी तुम्हारे और मेरी फैमिली के फर्क को हमारे आड़े नहीं आने दिया। तुमने मेरे लिए नॉन वेज खाना छोड़ दिया, मैंने जो जिद की पूरा किया, बस एक जिद पूरी नहीं कर सके कि मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन पूरा प्यार चाहिए। ऐसा प्यार नहीं जो 100 रुपए की गड्डी में चोरी से रखे गए किसी पुराने नोट की तरह हो, कटा फटा जुड़ा मुड़ा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, लेकिन अक्सर लगता था कि तुम पूरी तरह से मेरे कभी थे ही नहीं, और उल्टा तुमने हमेशा यही समझा कि मैं तुम्हें नहीं रजत को चाहती थी, कि मैंने उसके लिए तुम्हें छोड़ दिया। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि तुम क्यों उससे इतना जलते थे, मेरे सारे मेल फ्रेंड्स में बस वही था जो तुम्हें इतना अखरता था। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, रिश्तों की इमारत शक के पत्थरों पे नहीं खड़ी रह सकती। शक का एक कमजोर पत्थर कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को हमेशा कमजोर करता रहा, लेकिन तुम अब तो मान लो कि रजत सिर्फ मेरा बॉस था और एक दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम तीन लोग एक छत के नीचे कब तक रह सकते थे, तुम, मैं और शक। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, ट्रेन अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, सामने एक कपल बैठा है, शायद जल्दी में ही शादी हुई है। ठीक ऐसे ही हम आए थे शादी के बाद पहली बार घर, मैं थोड़ी नर्वस कि नए घर में मुझ पे सबकी नजर रहेगी। इसी स्टेशन पे मैंने तुमसे शादी के बाद की अपनी पहली फरमाइश की थी, नहीं चांद नहीं मांगा था, बस एक कुल्हड़ चाय। ट्रेन चलने में बस 5 मिनट बाकी थे, लेकिन जान हथेली पे रख के दोनों हथेलियों में तुम 2 कुल्हड़ चाय लेके घुसे थे चलती ट्रेन में। तुम्हें याद है तुम्हें और मुझे कुल्हड़ की चाय कितना पसंद हुआ करती थी, आज भी है। आज फिर मैं उसी स्टेशन पे हूं, लेकिन चाय लाने के लिए कोई नहीं है। शायद हम दोनों वो मुसाफिर हैं जिन्होंने सफर एक साथ शुरू किया था, लेकिन बीच में एक दूसरे से आगे निकल गए, और जब तक पीछे मुड़ के देखा हमारा हम सफर बहुत बहुत दूर छूट चुका था। मुझे याद है जब हमारी शादी होने वाली थी, हम लोग कैसे बड़े बड़े सपने देखते थे, एक दूसरे के साथ ढेर सारा वक्त बिताया करेंगे, लंबी ड्राइव्स पे जाएंगे, बारिश में भीगेंगे, दूर किसी हिल स्टेशन पे एक लॉग हट में आग के किनारे रात के खामोश खूबसूरत पल गिनते कोई शाम गुजारेंगे, पहाड़ों में रेगिस्तानों में दूर सुंदर घने पेड़ों के बीच खो जाते रास्तों पे चलेंगे। शादी के पहले शायद सब लवर्स ऐसे ही बात करते होंगे, जैसे कोई झूठ सच बेचते टूरिस्ट गाइड। कितनी जल्दी हमारे वो सारे ख्वाब
चलते चलते एक शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई से टकरा गए। कौन जाने, शायद ऐसा सबके साथ होता होगा। शायद शादी की परिकथाएं बस परिकथाओं में ही होती होंगी। शायद एक लड़का और लड़की हस्बैंड वाइफ बनते ही फ्रेंड्स बनना बंद कर देते होंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं करते होंगे जैसा मैंने उस शाम किया था। मुझे तारीख भी याद है, 3 जनवरी। तुम ऑफिस से बस आने ही वाले थे। मैं रोज रजत के बारे में तुम्हारे सवालों भरी, शक भरी निगाहों से बचते छुपते थक गई थी। मैंने खुद की जान लेने के लिए नींद की गोलियों की पूरी शीशी निगल ली थी, नहीं मर पाई, और उसके बाद जी भी नहीं पाई थी। आज एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां ये सारे दुख एक बार में खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, क्या तुम भी मुझे याद करते हो कभी कभी, जब बाथरूम में नहा रहे हो और तौलिया लाना भूल जाते हो, जब अकेले बैठ के टीवी पे वो रोमांटिक कॉमेडीज देखते हो जो हम साथ साथ देखा करते थे, जब सर्दियों में तुम बच्चों की तरह रजाई इधर उधर फेंक देते हो और दोबारा उड़ाने वाला कोई नहीं होता। मैं जानती हूं तुम भी मुझसे यही पूछना चाह रहे होगे, लेकिन मुझसे मत पूछना ये सवाल। मत पूछना मुझसे कि जब रात को किताब पढ़ रही होती हूं और पानी की प्यास लगती है तो अंधेरे में डरते डरते किचन जाते वक्त तुम्हें याद करती हूं या नहीं। ये मत पूछना कि जब ड्राइव करके ऑफिस जा रही होती हूं तो ट्रैफिक लाइट पे अपने बगल की सीट की ओर देखती हूं कि नहीं। ये मत पूछना कि जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है और मैं हमेशा की तरह घबरा रही होती हूं तो तुम्हारा धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेना याद आता है या नहीं। कुछ सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। बस इतना जानती हूं कि रिश्ते को तोड़ना मेरा शौक नहीं है। तुमने हमेशा मुझ पर शक किया, रजत और मेरे बारे में अपने दिमाग में जहर भर भर के हमारी शादी को दीमक लगने दी। यह भी जानती हूं कि तुम खुद अपनी टूटी शादी का बहाना लेके नई नई लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगे थे। यह भी जानती हूं कि शायद मैंने तुम्हें सचमुच बहुत अकेला कर दिया था, इसीलिए मैंने इस जहर को सारे बदन में फैलने से रोक लिया, खुद ही तुमसे तलाक मांग लिया। अब मैं हम दोनों के माजी, हमारे पास्ट के उस सारे जहर को वक्त के दरिया में डुबोने जा रही हूं, सब खत्म करने जा रही हूं। इसके बाद जो होगा उसमें न कोई गम होगा न अफसोस। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही हूं। बस कुछ ही घंटों में हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कोई कड़वाहट मत रखना, मुझसे नफरत मत करना, प्लीज फॉर गॉड्स सेक रजत के बारे में फिर से ताना मत देना। कितने सालों के बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी, पता नहीं कैसे देखते होगे अब। मैं वैसे ही नर्वस हूं जैसे प्यार के पहले पहले दिनों में होते थे। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, याद शहर पास आता जा रहा है, शायद 3 या 4 स्टेशन ही बचे होंगे। मैं नर्वस भी हूं, बेचैन भी। टीटी से 3 बार पूछ चुकी हूं ट्रेन कब पहुंचेगी। हमने अपने अच्छे दिनों के कितने खूबसूरत घंटे ट्रेनों में बिताए हैं, या प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनों का इंतजार करते, लकड़ी की बेंच पे ऊंघते हुए, कोई फिल्म की मैगजीन पढ़ते, कोई मुश्किल सा क्रॉसवर्ड ना कर पाने पे खींचते हुए। कुछ ही घंटों में हम आमने सामने होंगे। जाने तुम क्या कहोगे जब इतने दिन बाद पहली बार मिलोगे। उन दिनों तुम्हें मेरी आंखें बड़ी पसंद थीं, मेरे लंबे बालों पे तुम फिदा रहते थे, मुझ पे कितनी उल्टी सीधी शायरी की है तुमने। अब मुझे देख के कहीं तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाओगे। सुनो, अभी भी इतनी बुरी नहीं लगती हूं मैं। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, तुम्हारी चिट्ठी से यह भी लगा कि तुम परेशान हो, मुझसे नाराज हो। सारी नहीं तो थोड़ी सी परेशानी तो मैंने जरूर दी है, उसके लिए मैंने पहले भी तुमसे माफी मांगी है, और आज हमारी टूटी हुई शादी की एनिवर्सरी पे फिर मांगती हूँ। आई एम सॉरी। हम अब चाहे अनजाने हो गए हों, लेकिन तुम्हें ख्यालों में रखा है मैंने। इतनी बुरी नहीं हूं मैं जितना तुमने मुझे हमेशा समझा, जितना तुम मुझे अभी भी समझते हो। कभी कभी दो सुलझे हुए इंसान भी उलझनों में फंस जाते हैं, नहीं निभा पाते हैं। इससे न तुम बुरे हो गए न मैं, बस वक्त हमसे ज्यादा ताकतवर निकला। मैंने हजारों बार सोचा कि अगर मैं और तुम अलग नहीं हुए होते तो क्या होता।
शायद सब तलाकशुदा लोग ऐसा ही सोचते होंगे, रिश्तों की गणित करते होंगे, जोड़ घटाना। अगर मैं थोड़ी सी ईगो घटा देती, रोज 60 मिनट भी उसके साथ ज्यादा बिताती, तो ये तस्वीर क्या अलग होती। लेकिन ये सब हमारे करने से थोड़ी होता है। जैसे रिश्ते हमारे बनाने से नहीं बनते हैं, वैसे ही रिश्ते हमारे तोड़ने से कहां टूटते हैं। हमारा टूटा हुआ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ने आ रही हूं मैं। कुछ अधूरा है हमारे बीच जो खत्म करके पूरा करने आ रही हूं मैं। और फिर आज के बाद कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, जलन भी कितनी अजीब चीज होती है ना। औरतें इसे गहने की तरह पहनती हैं और तुम आदमी लोग इसे एक हथियार बना के जेब में लिए फिरते हो। जब मन किया निकाल दिया, जिसके सीने पे चाहे तान दिया, जिसे मन चाहा हमारा यार कह दिया। फिर कड़वाहट, नाराज खामोशी, दो दिन ठीक से बात ना करना। तुम आदमी लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स और वाइव्स को कब्जे में क्यों रखना चाहते हो यार। जलन को हम लोगों की तरह यूज करो ना। हमें इनसिक्योर करती है, नाराज नहीं। हम और कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने करीब लाएं। रजत को लेके तुम्हारे मेरे बीच कितनी लड़ाइयां हुई हैं याद है? कितनी बार मैंने खाना नहीं खाया, कितनी बार तुमने हमने दरवाजे स्लैम किए, जाग के रातें गुजारी। रजत ने जब मेरे बर्थडे पे मुझे पर्ल नेकलेस दिया था तो तुम्हें प्रॉब्लम थी। तुमने कहा ये इतनी इंटीमेट गिफ्ट है, ये फ्रेंड कैसे दे सकता है। मैं रजत के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे गई तो तुम्हें प्रॉब्लम थी। रजत के घर खाने पे गई, बॉस था मेरा, एक अर्जेंट प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करनी थी हमें, और रात 2 बजे अकेले वापस ना आके मैं वहीं रुक गई तो भी तुम्हें प्रॉब्लम था। तुम शहर के बाहर थे, मैं रात को टैक्सी में अकेले घर आती, ये तुम्हें मंजूर था। यार प्लीज कभी तो रीजनेबल हो सकते हो यार तुम लोग। और पता है उससे क्या हुआ? मैं बैंकॉक गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे, इत्तेफाक से रजत भी वहीं था, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं गोवा गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, मैं और रजत साथ गए थे, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं उसे लंच पे, डिनर पे, कॉफी के लिए मिलती थी, पर तुम्हें कभी जिक्र नहीं करती थी। क्यों करती यार? तुम इतने कंजर्वेटिव हो कि फौरन मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा देते ना। जैसे रजत के अलावा हमारे पास बात करने को कुछ था ही नहीं। और तुम कौन से दूध के धुले थे? मैं जानती हूं तुम उन लड़कियों से फ्लर्ट करते थे। मुझे पता है क्या कहोगे, अफेयर तो नहीं था, लेकिन क्या वो काफी था? खैर सॉरी, मैंने डिसाइड किया था कि ये किस्सा फिर नहीं छेड़ूंगी। मैं ये किस्सा खत्म करने आ रही हूं आखिरी बार। खुशी खुशी दोस्तों की तरह मिलने के लिए वापस आ रही हूं आखिरी बार। बस 2 स्टॉप और हैं, 45 मिनट, हमारे 15 साल के रिश्ते के आखिरी 45 मिनट। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, यार मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरी जिंदगी। तुम पापा के स्टूडेंट थे और पापा की नजर में मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता था। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, लेकिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर जब मैंने तुम्हें आखिरकार आई लव यू टू कह के चिट्ठी लिखी थी, तो 2 कागज के टुकड़े मेरी जिंदगी बदल चुके थे। मेरे बैग में रखी पापा की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें कैंसर कंफर्म हो चुका था, और तुम्हें लिखा वो खत। कुछ और कागज के टुकड़े लेके आ रही हूं आज, साइन करवाने हैं। तुमने एक बार मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे 1001 शेयर्स खरीदे थे, याद है ना? तुम्हें पता नहीं होगा पर आज 55 लाख के हैं। उससे जुड़े कुछ पेपर्स हैं, सीए ने कहा है कि साइन करवा लूं। आखिर इतना प्यारा गिफ्ट था ना तुम्हारा। और भी चीजें ला रही हूं वापस करने के लिए, तुम्हारे भेजे ग्रीटिंग कार्ड्स, कुछ तोहफे, हनीमून के यूज्ड एयर टिकट्स। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, स्टेशन आ गया है, मुझे भुलाना मत, मुझे याद रखना। मैं तुम्हारी हर चीज याद रखती हूं, मीठी कड़वी। याद है वो आखिरी बात तुमने जो मुझसे कही थी जिसके बाद मैं घर छोड़ के चली गई थी? अच्छा है अब रजत मेरी कमियां पूरी करने लगा है, और पता नहीं क्या क्या जरूरतें पूरी कर रहा होगा। तुम उसी के पास क्यों नहीं चली जाती? मुझसे तो काफी ज्यादा खुश रखेगा ना। मैं तुम्हें बस इतना कहने आ रही हूं मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड कि तुम हमेशा एकदम सही थे। तुमसे मिलने के 3 साल पहले से
मेरी सारी कमियां पूरी की हैं रजत ने, और सारी जरूरतें। इतने साल से तुम्हारे सारे शक सही थे, उसी ने मुझे अपनी कंपनी में अपने अंडर अपॉइंट किया। जिस दिन मैंने तुमसे तलाक मांगा, उस दिन मेरे बैग में एक और कागज का टुकड़ा था, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स। मैं मां बनने वाली थी, रजत के प्यार का तोहफा था। मैं मन से तो उसकी पत्नी कब का बन चुकी थी, मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड। तुम्हारे काले साए का फेरा खत्म होने के बाद उससे फेरे भी कर लिए। मैं ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी तुम्हारे पास, तुम चिट्ठी मेरे जाने के बाद पढ़ लेना। एक नया फ्लैट लिया है याद शहर में, तुम्हारे दिए शेयर्स को बेच के आज उसका गृह प्रवेश है। मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड, काश तुम भी आ सकते हमारी खुशियां बांटने। तुम्हारी वही पुरानी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।